प्रीवियस लेक्चर की कंटिन्यूटी में बैड डेट्स आर अलाउंस फॉर रिसीवेबल लेक्चर नंबर टू। ऑब्जेक्टिव ऑफ टुडेज लेक्चर इज हाउ टू रिकॉर्ड बैड डेट्स एक्सपेंसेस। जो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने रिकॉर्ड एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करने की एंट्रीज की थी उसको रिवाइज कर लेंगे। व्हाई टू राइट ऑफ अकाउंट रिसीवेबल, क्यों राइट ऑफ करते हैं। अकाउंटिंग फॉर बैड डेट्स अंडर बोथ अप्रोचेस, राइट ऑफ करने के दोनों तरीकों से कैसे राइट ऑफ करेंगे, और हाउ टू रिकॉर्ड सब्सिक्वेंट कलेक्शन ऑफ रिटर्न ऑफ डेट्स अंडर बोथ अप्रोचेस। आपने किसी कस्टमर ने आपने देखा कस्टमर कहीं चला गया, कहीं भाग गया, कहीं आउट ऑफ सिटी चला गया, आउट ऑफ कंट्री चला गया, या कोई इसको हैवी लॉसेस हो गए, उसने कहा ठीक है मैं आपको उधार दूंगा, मगर आप कह रहे हैं यार उधार कैसे देगा जब इसके पास कुछ है ही नहीं। मगर सर्टेन टाइम के बाद 2 साल 5 साल 10 साल के बाद वो कह रहे हैं कि जो आपको उधार है अपने पैसे वापस ले ले, आपने अपने पास से मिटा दिए, तो सब्सिक्वेंट कलेक्शन के लिए क्या रिकॉर्ड करेंगे और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे और फाइनल में एमसीक्यूज। लेट्स मूव। अकाउंटिंग फॉर बैड डेट्स अंडर डायरेक्ट अप्रोच, डायरेक्ट अप्रोच के अंडर में रिसीवेबल शुड बी क्लास एज एन एसेट्स इफ इट इज रिकवरेबल। बैड डेट्स इज नो, बैड डेट्स इज वन डेट नो लॉन्गर एक्सपेक्टेड टू बी पेड। बैड डेट्स क्या है कि जब आपको कंफर्म हो जाए कि पैसे नहीं मिलेंगे तो उसको राइट ऑफ करेंगे, डेट्स विल बी राइट ऑफ। इट डेफिनेटली इररिकवरेबल, द प्रूडेंस कॉन्सेप्ट डिक्टेट्स, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट दानिशमंदी अकलमंदी यही है कि इसको ऐसे एसेट्स को कंटिन्यू अपने पास, सिर्फ कि मेरे पास एसेट्स हैं जब उसकी कोई वर्थ है ही नहीं, आपको पैसे मिलने नहीं है तो उसको आप एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर लें। क्या रिकॉर्ड करेंगे, बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, या राइट ऑफ कर दें, डायरेक्ट मिटा दिया आपने। अलाउंस अप्रोच के अंदर रियल लाइफ के अंदर जब दो बेसिस मेथड से परसेंटेज सेल्स और परसेंटेज ऑफ रिसीवेबल्स के, जिस अकाउंटिंग पीरियड में आप सेल्स कर रहे हैं उसी अकाउंटिंग पीरियड में आप अगर कोई चीज डाउट हो रहा है, एस्टिमेट हो रहा है, तो उसी अकाउंटिंग पीरियड में आप रिकॉर्ड कर लें जो हमने रिकॉर्ड बात की थी, बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट। अब वो अमाउंट परसेंटेज टू सेल्स भी हो सकता है तो परसेंटेज ऑफ सेल्स अप्रोच है, अगर वो परसेंटेज ऑफ अलाउंस अकाउंट रिसीवेबल है तो उसको अलाउंस परसेंटेज ऑफ रिसीवेबल कहा जाता है और अलाउंस फॉर बैड डेट्स के लिए कहा जाता है। अकाउंटिंग फॉर बैड डेट्स अंडर अलाउंस अप्रोच, बैड डेट्स के लिए अगर राइट ऑफ करना है अंडर द अलाउंस मेथड, वंस इज अ डाउटफुल द अकाउंट रिसीवेबल मे नॉट कलेक्टेड, therefore allowance will be generated as below। जब कंफर्म हो जाए कि नहीं मिलेंगे, जब डाउटफुल हो, वंस इट्स डाउटफुल, तो आप क्या रिकॉर्ड करेंगे, बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट। आपका डाउट था कि 10,000 रुपीज मुझे नहीं मिलेंगे, मगर अगर आगे आपके पास ये कंफर्म हो जाए, वंस इट्स कंफर्म डेट स्पेसिफिक कस्टमर्स अकाउंट रिसीवेबल इज आइडेंटिफाइड एज अनकलेक्टेबल, इट इज रिटन ऑफ बाय रिमूविंग द अमाउंट फ्रॉम अकाउंट रिसीवेबल। अगर ये कंफर्म हो जाए कि ये पैसे नहीं मिलेंगे, किसी कस्टमर का कंफर्म हो गया स्पेसिफिक कस्टमर पैसे नहीं दे रहा, तो अब उसको आप राइट ऑफ कर देंगे, रिमूव कर देंगे अपने खातों से, अपने बुक्स से उस अमाउंट, उस बंदे के अमाउंट को रिमूव कर देंगे। तो इस रिमूव करने के लिए अकाउंटिंग के अंदर जो आपके पास एसेट्स है अकाउंट रिसीवेबल, अब आपके पास एसेट्स नहीं मिलेंगे तो एसेट्स अमाउंट आपका डिक्रीज हो रहा है, एसेट्स खत्म हो रहे हैं, एसेट्स डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट करते हैं, क्या एंट्री पास करेंगे, अकाउंट रिसीवेबल तो क्रेडिट कर लेंगे, और उसके बदले आपने जो पहले एस्टिमेट करके ऊपर आपने अलाउंस फॉर बैड डेट्स को क्रेडिट किया था, अब उसी बॉक्स से आपने पैसे लेके अपने अकाउंट्स को, अपने रिसीवेबल को क्लियर कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे, जस्ट लाइक एक सेविंग बॉक्स, जितना डाउट हो रहा है आपने उस बॉक्स में पैसे रखे, जब जरूरत हुई कि ये पैसे नहीं मिलेंगे तो आपने उस बॉक्स से पैसे ले लिए। अगर आप यही कस्टमर कैश देता तो क्या आप एंट्री पास करते, कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। अब वो कैश कस्टमर नहीं दे रहा, वो कैश आपने जो एस्टीमेट करके रखा है उस बॉक्स से आप ले रहे हैं। व्हाई टू राइट ऑफ अकाउंट रिसीवेबल, क्यों राइट ऑफ करते हैं, इट इज नेसेसरी टू राइट ऑफ अ बैड डेट व्हेन द रिलेटेड कस्टमर इनवॉइस इज कंसीडर्ड टू बी अनकलेक्टेबल। जब किसी भी कस्टमर की एक इनवॉइस या इनवॉइसेस, एक से ज्यादा इनवॉइसेस हो सकती है, जब ये कंफर्म हो जाए कि वो नहीं मिलेंगी, पैसे नहीं मिलेंगे, तो उसको राइट ऑफ कर दें, अदरवाइज द बिजनेस विल कैरी हाई वॉल्यूम ऑफ अकाउंट रिसीवेबल बैलेंस, डेट ओवरस्टेट द अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग कस्टमर इनवॉइसेस, डेट विल इवेंचुअली बी कन्वर्टेड इनटू द कैश। अगर आप इसको रिमूव नहीं करेंगे, राइट ऑफ नहीं करेंगे, तो बिजनेस के लिए हैवी अमाउंट तो होगा कि मुझे इतने पैसे रिसीवेबल है, मगर एक्चुअल वो मिलेंगे नहीं। डेट ओवरस्टेट द आउटस्टैंडिंग कस्टमर इनवॉइसेस, डेट विल इवेंचुअली बी कन्वर्टेड इनटू द कैश। जो
एक्चुअल इनवाइसेस जो पैसे मिलने हैं उससे कई गुना ज्यादा आप ओवर स्टेट रिकॉर्ड कर लेंगे। जब पैसे नहीं मिलेंगे तो अपने पास ज्यादा पेजेस जाया क्यों कर रहे हैं, रजिस्टर क्यों जाया कर रहे हैं, अकाउंटेंट का टाइम क्यों जाया कर रहे हैं। अकाउंट फॉर रिसीव्ड पेमेंट ऑन बैड डेट्स रिटन ऑफ, अगर कोई पेमेंट आपको मिल जाती है, अगर आपके पास कोई अमाउंट मिल जाए वो अमाउंट उस अमाउंट के बदले जो आपने पहले राइट ऑफ कर दिया है, इट इज नॉट एंटायरली ट्रू डेट बैड डेट्स विल नेवर बी कलेक्टेड। ऐसा नहीं हो सकता कि हर एक कस्टमर, हर एक बंदा कभी भी पैसे नहीं दे। हो सकता है 5 साल बाद दे, 2 साल बाद दे। इट इज पॉसिबल डेट द कस्टमर विल पे एक्सट्रीमली लेट, इन विच केस द ओरिजिनल राइट ऑफ ऑफ द रिलेटेड रिसीवेबल शुड बी रिवर्स्ड एंड द पेमेंट चार्ज अगेंस्ट। जिस मेथड के हिसाब से आपने जो आपने उस रिसीवेबल को राइट ऑफ किया था, उस राइट ऑफ जो आपने अकाउंट रिसीवेबल को रिमूव किया था, अब उस सेम एंट्री को रिवर्स कर लें। क्या एंट्री बनाएंगे? डू नॉट क्रिएट अ न्यू रेवेन्यू टू रिफ्लेक्ट द रिसीप्ट ऑफ द लेट कैश पेमेंट ऑन अ रिटर्न ऑफ रिसीवेबल, सिंस डूइंग सो विल वुड ओवरस्टेट द रेवेन्यू। ये न्यू इनवॉइस नहीं बनानी, क्योंकि आप यहाँ कोई मटेरियल, कोई सर्विस वगैरह नहीं दे रहे, आप सिर्फ और सिर्फ कैश कलेक्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो पहले आपने सर्विसेज दे चुके थे, जो इसका हिसाब आपने मिटा दिया था, राइट ऑफ कर दिया था, उसी के बदले अगर आप करंट अकाउंटिंग पीरियड में इसको इनवाइस सेल्स रिकॉर्ड करेंगे तो सेल्स, एक्चुअल सेल्स कम होगी, आपके पास रिकॉर्ड में इनवाइस ओवर स्टेट हो जाएगी, आपकी इनवाइस रेवेन्यू जो है वो ज्यादा अमाउंट शो करेगा। इट इज मोर लाइकली डेट वेरी लेट पेमेंट विल बी रिड्यूस अमाउंट, आपके इनवाइसेस लेट पेमेंट जो है आपके अमाउंट को रिड्यूस कर लेगी, बिकॉज द कस्टमर नेगोशिएट फॉर लोअर पेमेंट। इफ सो द अनपेड पोर्शन ऑफ द डेट शुड स्टिल बी क्लासिफाइड एज अ पेड डेट्स। अगर बहुत ही लेट अमाउंट मिल गई या कम पैसे मिले, द कस्टमर नेगोशिएट, अपने कस्टमर से, कस्टमर आया 2 साल बाद आया कि यार आपसे मुझे पैसे तो दे रहे मगर मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मुझे कुछ कम कर दे। So unpaid portion of the debt should still be classified as a bad debt. भाई पहले 1 लाख रुपए देना था, अब उसमें 50,000 रुपए मैं आपको दे रहा हूँ, बाकी 50,000 रुपए नहीं दूंगा। तो 50,000 जो दे रहे हैं वो आपको कैश रिसीव करना है, और जो 50,000 नहीं दे रहे वो आपको स्टिल बैड डेट्स ही रिकॉर्ड करेंगे। हाउ टू रिकॉर्ड सब्सिक्वेंट कलेक्शन? टू रिकॉर्ड द बैड डेट्स रिकवरी ट्रांजेक्शन द डेबिट अकाउंट रिसीवेबल एंड क्रेडिट द बैड डेट्स एक्सपेंस। जो आपने डायरेक्ट अप्रोच में था, डायरेक्ट रिटर्न ऑफ अप्रोच, जो डायरेक्ट अप्रोच में आपने जब राइट ऑफ किया था, जब मिटाया था, तो आपने रिकॉर्ड किया था बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, सेम एंट्री को रिवर्स कर दे। बैड डेट्स एक्सपेंस अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, बैड डेट्स एक्सपेंस क्रेडिट, आपने एक्सपेंस को डिक्रीज कर दिया, अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट कर दिया। अब जब पैसे मिल रहे तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, कैश क्रेडिट। रिटर्न ऑफ कलेक्शन अलाउंस अप्रोच, अगर आपने जो राइट ऑफ किए हुए अगर उसकी कलेक्शन हो रही है, किस मेथड में? अलाउंस अप्रोच में। टू रिकॉर्ड द बैड डेट्स रिकवरी ट्रांजैक्शन, डेबिट योर अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट, अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट करें एंड क्रेडिट करें अलाउंस फॉर बैड डेट्स। डेबिट करें अकाउंट रिसीवेबल को और क्रेडिट करें अलाउंस फॉर बैड डेट्स को। जो आपने राइट ऑफ करते वक्त आपने किया था अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स को डेबिट करके अपने एसेट्स को डिक्रीज किया था, अकाउंट सेल को क्रेडिट किया था, उस सेम एंट्री को रिवर्स करते हैं, अकाउंट सेबल डेबिट अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट। अब जब आपके पास क्रेडिट हो, जब अकाउंट सेबल आपको डेबिट हो चुके हैं, तो उसके बदले आपको पैसे मिल रहे हैं, तो क्या एंट्री पास करेंगे? कैश डेबिट। आपके पास कैश इंक्रीज हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि जो आपके पास रिसीवेबल थे पुराने वो रिसीवेबल क्रेडिट। सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, रिसीवेबल बैलेंस ऑफ मिस्टर आयान एट डिसंबर 31st 2021 320,000, बेस्ड ऑन द पास्ट एक्सपीरियंस मिस्टर आयन एस्टिमेट कर रहे हैं दैट 3% ऑफ रिसीवेबल बैलेंसेस विल नॉट बी कलेक्टेड एंड देयरफॉर रिलेवेंट अलाउंस शैल बी मेड। ये एस्टिमेशन है कि जितना मिस्टर आयन का एक्सपीरियंस है कि 2021 में 31st दिसंबर 2021 में वो कह रहा है कि 3,20,000 रुपए जो रिसीवेबल है, 3,20,000 रिसीवेबल तो है, मगर मुझे डाउट है कि इसमें से 3% एस्टिमेशन 3% मुझे पैसे नहीं मिलेंगे, जिसके लिए मुझे अलाउंस बनाना है। ऑन December 31st 2022 मिस्टर आयन रिसीवेबल बैलेंस स्टूड एट 4,80,000, 3,20,000 से अब 4,80,000 हो गए। बींग मोर prudent, Mr. Ryan now foresees that 5% of year-end receivable balance is required to be maintained as allowance for bad debt. पहले साल 3,20,000 थे तो 3% doubt था, अब amount भी increase हो गया 4,80,000 और doubt भी आपका increase हो गया 5%. Pass general entry in the books of Mr. Ryan for accounting year December 31st 2021 and 22. Prepare an allowance for bad debts account for the year ended December 31st. December 31st 2021 and 22 में आपका रिसीव्ड का अमाउंट था 3,20,000,
जिसपे डाउट एस्टिमेशन है कि 3% नहीं मिलेंगे, मीन्स कि जो एक्सपेंस जो नहीं मिलने की अमाउंट है वो है 9600। अब ये एस्टिमेशन है, कंफर्म तो नहीं है वैसे नहीं मिलेंगे। अगर एस्टिमेशन है तो इसके लिए क्या रिकॉर्ड करेंगे, बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट 9600 एंड अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स क्रेडिट। अब आपने एक अलाउंस बना दिया नेक्स्ट ईयर, अच्छा इसके लिए आपने टी अकाउंट बनाया अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स की एंट्री क्या बनेगी, क्योंकि हमने एंट्री रिकॉर्ड की थी बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स क्रेडिट, तो अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स क्रेडिट, तो अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स के टी अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस में 9600 कहां से आए, बैड डेट्स एक्सपेंस से है। 2022 में आपके पास अमाउंट है 4,80,000, 24,000 है कि हमारे बॉक्स डाउट वाले बॉक्स में 24,000 होने चाहिए, ऑलरेडी कितने पड़े हुए उसमें 9600, तो फर्दर हम कितने उसमें इन करेंगे, कितने पैसा और रखेंगे 24,000 हो जाए, वो है 14,400। तो अब जो नेक्स्ट ईयर इंक्रीज होने की वजह से एंट्री बनेगी वो बनेगी बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स क्रेडिट 14,400। 14,400 आपने करंट ईयर में एक्सपेंस किया, 9,600 लास्ट ईयर का एक्सपेंस था, टोटल मिला के करंट ईयर में हमें हमारे पास हमें डाउट जो है वो 24,000 का इक्वल हो रहा है। कैसे हो रहा है देख लें आप, बैड डेट्स एक्सपेंस आपके पास बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स क्रेडिट आपने किया था, तो क्रेडिट साइड पे 9,600 है। नेक्स्ट क्लोजिंग के टाइम पे आपने सीडी बैलेंस किया, क्योंकि इसकी नेचर कंट्रा एसेट से कंट्रा अकाउंट है, एसेट के बदले ही बना रहे हैं, जैसे अलाउंस फॉर डिप्रिसिएशन था सिमिलर वही नेचर है, तो हमने इसको क्लोजिंग बैलेंस में सीडी करके जो बीडी किया नेक्स्ट ईयर 2022 में, जब ये बीडी आया तो 9,600 ऑलरेडी था, और 14,600 जब हमने और उसमें ऐड किया तो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस सीडी बैलेंस 24,000 अमाउंट आ गया। दिस इज ऑल अबाउट प्रैक्टिकल क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। नाउ इट्स टाइम टू एमसीक्यूज। अलाउंस फॉर रिसीवेबल बैड डेट्स इज एग्जांपल ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। अलाउंस फॉर रिसीवेबल बैड डेट्स इज एन एग्जांपल ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, एक्रुअल कॉन्सेप्ट और कंसिस्टेंसी। मैचिंग का मकसद के सेल्स के हिसाब से बना रहे हैं, में प्रूडेंस मींस अकलमंदी दानिशमंदी से कर रहे हैं, एक्रुअल्स पेबल और रिसीवेबल की बात हो रही है, या कंसिस्टेंसी तो इट्स एग्जांपल ऑफ प्रूडेंस दानिशमंदी। पहले से आप एस्टिमेट कर रहे हैं कि मुझे इतना लॉस होगा फ्यूचर में, फ्यूचर के लॉस को एस्टिमेट करके अपने बुक्स में रिकॉर्ड करने को प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहा जाता है। अंडर डायरेक्ट अप्रोच डेट्स दोज आर अनएबल टू कलेक्ट आर क्रेडिटेड टू द कस्टमर्स अकाउंट। डायरेक्ट अप्रोच में जो एक्सपेंसेस अनएबल है के पैसे नहीं मिलेंगे वो क्रेडिट कस्टमर्स में आर क्रेडिट टू द कस्टमर्स अकाउंट। कस्टमर अकाउंट में किस अकाउंट में होते हैं, क्रेडिट टू द बैड डेट्स अकाउंट, क्रेडिट डेबिट टू द बैड डेट्स अकाउंट, डेबिट टू द डेटर्स अकाउंट, क्रेडिट टू द सप्लायर अकाउंट, डेबिट टू द बैड डेट्स अकाउंट। जो डायरेक्ट आपके पास अनकलेक्टेबल अमाउंट, क्रेडिट तो कस्टमर्स अकाउंट होता है, डेबिट क्या होता है, डेबिट होगा बैड डेट्स अकाउंट। 8 July 1, 2011 बिजनेस हेड्स ट्रेड अकाउंट रिसीवेबल ₹70,000 ड्यूरिंग द ईयर टू द June 2012 द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस। पहले आपके पास 1 July 2011 में आपके पास ₹70,000 कैश रिसीवेबल था आपको एसेट से। क्रेडिट सेल कर रहे कस्टमर को 1,50,000, कलेक्शन कस्टमर से 1,50,000 के आप कस्टमर्स को सेल कर रहे हैं और कस्टमर जो आपको पैसे दे रहे हैं वो 100,000 दे रहे हैं। टू कस्टमर्स और जो दो कस्टमर जिनसे आपको पैसे रिसीवेबल है 5,000 and 3,000 आर डिक्लेयर बैंकरप्ट। ये वो कस्टमर्स हैं जो बैंकरप्ट डिक्लेयर हो चुके हैं। दीज टू अमाउंट आर टू बी रिटन ऑफ। ये दोनों अमाउंट आपको राइट ऑफ करना है, रिमूव करना है अपने बुक से, रिसीवेबल से खत्म करना है। वॉट इज द अमाउंट ऑफ ट्रेड अकाउंट रिसीवेबल एंड एट June 30, 2012 एंड इररिकवरेबल बैड डेट्स एक्सपेंस कितना अमाउंट होगा, ओपनिंग में कितना अमाउंट है रिसीवेबल का 70,000, क्रेडिट सेल कितनी कर रहे हैं
क्रेडिट सेल का मकसद कि पहले जो 70,000 हमने रिसीवेबल थे, जब क्रेडिट सेल करते हैं तो एंट्री क्या पास करते हैं, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट, मीन्स का अकाउंट रिसीवेबल और इंक्रीज हुआ, 70,000 पहले था, 1,50,000 और आपके पास हुआ, तो अब आपके पास टोटल रिसीवेबल हुआ 2,20,000, 2,20,000 में से 100,000 आपको कैश कलेक्शन मिल चुकी है। इसका मकसद कि 1,20,000 आपके पास अभी भी रिसीवेबल होने चाहिए थे, मगर उस रिसीवेबल में से 8,000 आपको वो अमाउंट है जो पैसे नहीं मिलेंगे, जो नहीं मिलेंगे तो उसका मकसद को आपका एक्सपेंस हुआ, एक्सपेंस हुआ तो आपका जो ऑप्शन है ए बी सी डी, इसके अंदर देख लें कि 8,000 रुपीज एक्सपेंसेस कहां पर है, तो वो सी और डी में है। इसका मकसद ये कि ऑप्शन ए और बी तो हो नहीं सकता, मगर हमारे पास रिसीवेबल जो थे वो थे 70,000 प्लस 150,000 220,000 प्लस 100,000 आप माइनस कर रहे थे, तो उसमें से 120,000। अब 120 से 8,000 रुपीज आपको माइनस करना है, क्योंकि हम एंट्री क्या पास कर रहे थे डायरेक्ट एंट्री में, डेबिट एक्सपेंस डेबिट ट्रेड रिसीवेबल या ट्रेड अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, तो अकाउंट रिसीवेबल को जो डिक्रीज कर रहे थे 8,000, तो 120 से 8,000 माइनस करने के बाद आपके पास अमाउंट आ रहा था 1,12,000, मीन्स ओपनिंग रिसीवेबल प्लस क्रेडिट सेल माइनस पेमेंट रिसीव माइनस बैड डेट्स एक्सपेंसेस, जब ये किया तो आपका ट्रेड रिसीवेबल का अमाउंट आया 1,12,000। तो अब पहले हमने बैड डेट्स एक्सपेंस के हिसाब से देखा था तो सी और डी में डाउट था, अब जब आपके पास कंफर्म रिसीवेबल की कैलकुलेशन कर दी तो आपके पास ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर एमसीक्यू नंबर 4, एन इंक्रीज इन द अलाउंस ऑफ फॉर रिसीवेबल रिजल्ट इन, जब अलाउंस फॉर रिसीवेबल को आप इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है रिजल्ट, उसमें क्या होता है डिक्रीज इन द करंट लाइबिलिटीज, क्या लाइबिलिटीज आपकी डिक्रीज होती है, क्या इंक्रीज इन नेट प्रॉफिट, क्या प्रॉफिट में इंक्रीज होता है, क्या रिडक्शन इन कैश फ्लो, क्या कैश फ्लो में कमी होती है, या डिक्रीज इन नेट करंट एसेट्स, या करंट एसेट्स कम होते हैं, तो इसका आंसर है कि करंट एसेट्स आपके कम होते हैं, क्योंकि अकाउंट सेवल की नेचर, अकाउंट सेवल आपके कम होते हैं, अकाउंट सेवल कम होते हैं तो अकाउंट सेवल की नेचर है करंट एसेट्स। फिफ्थ नंबर है 8 जनवरी 1, 2022, द बैलेंस इन अलाउंस फॉर रिसीवेबल्स शो 28,000, एट द एंड ऑफ द ईयर इट इज डिसाइडेड टू राइट ऑफ 16,000 एंड एडजस्ट अलाउंस फॉर रिसीवेबल टू 28,000 पहले थे, उसमें से ये डिसाइड हुआ कि 16,000 का आपको कंफर्म हो गया कि पैसे नहीं मिलेंगे, तो वो डिसाइड कर दिया कि इसको राइट इसको रिमूव कर दे, बाकी उसमें कितने बचेंगे, और अब उसमें 25,000 होने चाहिए। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ दिस डिसीजन ऑन प्रॉफिट फॉर द ईयर, करंट ईयर के प्रॉफिट में क्या इफेक्ट आएगा, 28,000 आपके पास पहले अलाउंस था रिसीवेबल में, आपके पास अलाउंस था डाउट था, उस 28,000 के डाउट में 16,000 का डाउट आपको कंफर्म हुआ कि ये मुझे कंफर्म ही नहीं मिलेंगे, तो आप क्या करेंगे 28,000 से 60,000 माइनस कर देंगे, तो रिमेनिंग आपके पास बचेंगे 12,000 रुपए। अब 12,000 के बदले वो कह रहे हैं कि नहीं अब इसको एडजस्ट करें 25,000 तक, तो 12,000 में से 25,000 करने के लिए कितना अमाउंट आपको इंक्रीज करना है 13,000 रुपए। अब वो 13,000 आप अलाउंस फॉर डाउटफुल रेट्स में इंक्रीज करने की वजह से आपके प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट आएगा, तो उतना ही, जितना आप अलाउंस इंक्रीज करते हैं तो उतना आपका एक्सपेंस इंक्रीज होता है, जितना एक्सपेंस इंक्रीज होता है उतना ही आपका प्रॉफिट डिक्रीज होता है, तो दिस विल इफेक्ट डिक्रीज बाय 13,000, ऑप्शन बी इज करेक्ट। दिस इज ऑल अबाउट लेक्चर नंबर 2, थैंक यू, इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू कैन राइट, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।